हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मैं होम वर्कआउट सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपने देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और इस वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि आप कौन सा वर्कआउट कब करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मंडे को करोगे चेस्ट, ट्यूजडे को ट्राइसेप, वेनेसडे को शोल्डर, थर्सडे को बाइसेप, फ्राइडे को बैक एंड सैटरडे को लेग और एब्स। तो ये तो मेरा है। अगर आपका मन करे इसको चेंज करने का तो आप चेंज करके कर सकते हो, लेकिन एक एक्सरसाइज एक ही दिन करें और हफ्ते में सारे एक्सरसाइज होनी चाहिए। संडे को रेस्ट करें। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो पहले वर्कआउट देखे होंगे, मैंने पहली वीडियो डाली, उसमें कोई सी भी एक्सरसाइज करने को नहीं बोला कि आज बाइसेप करो, ट्राइसेप करो। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करते हो वर्कआउट करना तो आपको 10 से 15 दिन आपको पूरे वो बॉडी को जो होता है मसल्स को चार्ज करने पड़ते हैं, एक्टिव करने पड़ते हैं। जैसे आप वर्कआउट करोगे तो वो पम्प हो, तो वैसे ही अगर आप 10 से 15 दिन तक के कहीं भी जिम में भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको रोक के रखेंगे कि आप एक ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करें। बाइसेप ट्राइसेप पूरी बॉडी का एक्सरसाइज करवाते हैं। और वैसे ही अब मैं पूरी चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप पूरी वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप उनको देखना ज़रूर। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और आपको कुछ पूछना हो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। तो थैंक यू सो मच।